ये दाल इतना डिलीशियस है, थिक एंड क्रीमी। इसे कहते हैं पंचरत्न दाल, जो 5 दालों से बना हुआ है, एग्जैक्टली रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए बनाते हैं आज पेट पूजा में पंचरत्न दाल। इसके लिए हमें चाहिए 5 टेबलस्पून जितना तुअर की दाल, साथ में हम लेंगे मसूर की दाल, ये लाल मसूर है, यहाँ पे हमने लिया है 5 टेबलस्पून। इसके बाद हम साथ में लेंगे येलो मूंग का दाल, ये भी 5 टेबलस्पून है। साथ में हम लेंगे 3 टेबलस्पून जितना चने की दाल, और लास्ट में हम लेंगे उड़द की दाल, जो लगभग 2 टेबलस्पून है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप कई भी 5 दाल यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये दाल अवेलेबल थे तो मैंने ये डाल लिए। इसे 4 से 5 बार अच्छे से धोकर लेना है, जब तक पानी साफ़ ना निकले तब तक। ये देखिए साफ़ हो चुका है, और अब हम इसे 20 से 30 मिनट के लिए भिगा कर रखेंगे। 20 से 30 मिनट के बाद इसे हम एक कुकर में डाल देते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कि सभी दालें कितनी अच्छी सी फूल गई है। इसे हम कुकर में डालकर 6 कप जितना पानी हम मिला देते हैं, और साथ में हम मिला देते हैं इसमें 1 टीस्पून जितना हल्दी का पाउडर, स्वादानुसार नमक और कुछ कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते से स्वाद इसका बहुत अच्छा आता है। इसे हम कुकर में लगा देते हैं और 4 से 5 सीटी आने तक इसे हम पका देते हैं। 4 विसल्स हो चुके हैं, गैस बंद कर दिया है, और इसे डीप प्रेशर करके चेक कर लेते हैं। इसे अच्छे से विस्क करके लेना है। ये अच्छे से विस्क हो चुका है और जो दाल है वो अच्छे से पक भी चुका है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है, और उसमें हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ जितना बारीक कटा हुआ प्याज। इसे हम अच्छे से सुनहरा होने तक भूनते रहना है। ये देखिए सुनहरा हो चुका है ये प्याज। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 टेबलस्पून जितना हरी मिर्च, इसे भी बारीक कट करके लिया है। ये फ्राई हो जाए अच्छे से तो इसमें हम डाल देते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये लगभग 1 टेबलस्पून जितना है, और इसे भी हम अच्छे से भून लेते हैं। ये अच्छे से भून कर हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे अब चॉप्ड टमाटर, ये 1 स्मॉल साइज़ जितना लिया था, इसे हमने बारीक कट करके लिया है, और अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सेकेंड के लिए। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जैसे 1/2 टेबलस्पून जितना जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, साथ में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना किचन किंग मसाला। किचन किंग ना हो तो पाव भाजी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आएगा 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक। इसे भी हम अच्छे से अब मिक्स कर लेते हैं ये सारे मसालों को प्याज और टमाटर के साथ, और इसे अच्छे से भून कर बस 1 मिनट आपको इसे फ्राई करना है। उसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि ये नीचे जले नहीं। ये देखिए अच्छे से ये पक चुका है। तो अब ये मसाले के बाद हम डाल देंगे हमारा बॉयल्ड दाल, ये हमने कुकर में बॉयल किया था 4 विसल आने तक। ये देखिए और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें और नमक की ज़रूरत नहीं है, तो अब इसे हम ढक दे रहे हैं और एक 5 मिनट के लिए पकाने रख देंगे। 5 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। ये देखिए उबाल आ चुका है। इसे हम एक अच्छे से मिक्स करके थोड़े से हम गार्निश कर लेते हैं धनिए के पत्ते के साथ। इसे बारीक चॉप करके लिया है, धनिए के पत्ते के साथ इसे मिक्स कर लीजिए, और इस बार में हमें गैस बंद कर लेना है और इसे सेटल होने देंगे। इसे सर्व कर लेते हैं एक बाउल में। ये देखिए कितना क्रीमी है। और अब हम देंगे एक तड़का, जिसमें 1 टेबलस्पून जितना तेल, 1 टीस्पून जितना जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा हम डालेंगे हींग, और 1 टीस्पून जितना हमें डालना है लाल मिर्च पाउडर गैस बंद करने के बाद। ये देखिए ये तड़का रेडी है। ये तड़का हम डालेंगे अब इस दाल में जो हमने बोल में सर्व कर लिया है। तो देखिए ये हमारा दाल बनकर रेडी है। खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है।
पंचरत्न दाल बनकर रेडी है। इसे दिल से बनाइए, दिल से खाइए और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरह पेट पूजा के वीडियोस देखने हो तो ज़रूर इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।